Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 33,000 स्कूल्स में पीने का पानी नहीं, तलबा की तादाद में कमी और असातिज़ा की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिंध के मुतादिद स्कूलों में दरवाजे खिड़कियां तक नहीं, तो इतना पैसा कहां गया? साबिक वजीर तालीम महताब अकबर राशिदी का सवाल। मुझे नहीं पता कि तालीमी इमरजेंसी किस बला का नाम है और वो तालीमी इमरजेंसी में अचीव क्या करते हैं, क्या गोल है? स्कूल खुलवाना गोल है, सिर्फ टॉयलेट बनवाना गोल है? गोल्स होते हैं ना। सेक्रेटरी तालीम का सूरत हाल बेहतर बनाने का रवायती दावा। टोटल कोई 4,524 के करीब स्कूल सेलेक्ट किए हैं, ये एक हतमी नंबर नहीं है, इसमें 15-20 का इजाफा भी हो सकता है, 50 का इजाफा भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो इनिशियल सर्वे है ये हमें बताता है कि हम इन स्कूलों को लेके आगे चले। चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में तब्दीली के मुकदमे में साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी पर फर्द जुर्म आयद, रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं की, इल्जाम गलत है, जफर हिजाजी का मौके। स्पेसिफिकली कहा गया कि जी हथियार अलाउड नहीं है, उसके बावजूद हथियारों के साथ गए, फिर ये ड्रामा किया गया कि जी दरवाजे बंद कर दिए, अगर दरवाजे बंद किए तो शाह महमूद कुरैशी जो वो छलांग मार के गया के दरवाजे के अंदर। लाल शहबाज कलंदर के मजार पर ड्रामा किया गया, शाह महमूद कुरैशी की इज्जत करता था लेकिन अब नहीं, वजीर आला सिंध की कड़ी तनकीद, कहा ड्रामे का 3 दिन में कुदरत ने बदला ले लिया, इमरान खान बदकिस्मत है कि मजार नहीं पहुंच पाए। दीन तब्दील नहीं होता, सियासत तब्दील होती रहती है, शाह महमूद ने दरगाह को सियासी बना दिया, शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर 70 बरस से भारतीय कब्जे के खिलाफ, मकबूजा वादी में हड़ताल, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे, भारतीय फौज अब तक हजारों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी, पैलेट गन के जरिए हजारों अफराद को नाबीना भी किया गया, अक्वामे मुत्तहिदा और अमके आलमी ठेकेदार कश्मीरियों को आजादी का हक दिलाने में नाकाम। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा, हक खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की इखलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए सिंध हुकूमत के तहत कराची में रैली, वजीर आला सिंध और आवाम की कसीर तादाद की शिरकत। तहरीक इंसाफ NA4 पेशावर का दिफा करने में कामयाब, गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अरबाब आमिर जीत गए, ANP का दूसरा और मुस्लिम लीग नून का तीसरा नंबर, जीत की खुशी में PTI के कारकुनों ने जाब्ता अखलाक पामाल कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग से इलाका गूंज उठा। सामना करना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं, वो कराची से नहीं जो मुकदमे का सामना करें, PP रहनुमा डॉक्टर आसिम का साबिक वजीर आजम पर लफ्जी वार, कहा हम फौलाद हैं, मुकदमात का सामना कर सकते हैं, इंसाफ शफाफ और गैर जानिबदार होना चाहिए। वुजरा की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट का पारा हाई, कहा वुजरा ऐवान में नहीं आ सकते तो मुस्ताफी हो जाएंगे, रवैया नाकाबले बर्दाश्त है, ऐसा ही होता रहा तो अहकामात जारी करूंगा। नैब कोर्ट कराची में 530 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में रद्दो बदल से 53 अरब रुपए की करप्शन का मुकदमा,
साबिक सेक्रेटरी लैंड, साबिक डेप्यूटी कमिश्नर मलीर और दीगर के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम लतीफ बरोही की वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास, सेक्रेटरी शुमारियात, सेक्रेटरी वजारत कानून और चीफ शुमारियात की शिरकत। नई हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों से मुतालिक उमूर पर गौर। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुफ्ती अब्दुल कवि का जिस्मानी रिमांड आज खत्म हो रहा है, पुलिस अदालत में पेश करेगी। हरनाई के करीब शारक के इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, एएनपी के मकामी रहनुमा अब्दुल रजाक और भाई जाबाक, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पंजाब के इलाके अलीपुर में जहरीली लस्सी पीने से मुतासर एक और शख्स दम तोड़ गया, जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुतासर शख्स राजनपुर में जेरे इलाज था। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, एक मगवी बाजियाब, 7 अगवाकार गिरफ्तार, असलहा बरामद। सादिकाबाद के कच्चे में भी डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई, एक डाकू मारा गया, ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार जख्मी, मुखबिर जा बहक। पुलिस में भर्ती होना है तो दम चाहिए दम। दुनियापुर में कांस्टेबल भर्ती होने के ख्वाहिशमंदों का इम्तिहान।